प्यारे बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड वो आपकी नॉलेज पे बेस्ड था, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, आपकी समझ पे आधारित एक क्वेश्चन है कि आपने जो सीख रखा है उसको किस तरह से आप प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस एक पी एक्स का एक गुणनखंड हो। हमें क्या करना है, हमें k का मान निकालना है, कब, जब x माइनस एक किसका गुणनखंड है, पी एक्स का गुणनखंड है। अब हमारे पास अगर हम पार्ट फर्स्ट की बात करें तो हमारे पास पी एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस की। अब रैखिक बहुपद क्या ले रखा है, एक्स माइनस एक, इसको हम जी एक्स मान लेते हैं, ये कितना है एक्स माइनस एक, तो ये हमने जी एक्स मान लिया एक्स माइनस एक। अब दिया हुआ क्या है कि के का मान ज्ञात करना है, एक्स माइनस एक पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो हम लिखेंगे क्योंकि एक्स माइनस एक पी एक्स का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, इसलिए क्योंकि एक्स माइनस एक पी एक्स का एक गुणनखंड है। अब देखो अगर ये इसका गुणनखंड है तो जब पी एक्स को एक्स माइनस एक से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, जीरो बचेगा, इसलिए एक्स माइनस पी एक्स को एक्स माइनस एक से भाग करने पर हमारे पास जो शेषफल होगा किसके बराबर होगा, शेषफल बराबर है जीरो। जब हम पी एक्स को एक्स माइनस एक से भाग करने पर हमारे पास जो शेषफल होगा शेषफल जीरो के बराबर होगा, पी एक्स को एक्स माइनस एक भाग करने पर शेषफल बराबर है जीरो, तो शेषफल जीरो हो जाएगा हमारा। अब शेषफल देखो कैसे आएगा, अब देखो हमारे पास पी एक्स है और जी एक्स है तो हमें पहले शेषफल निकालना था, शेषफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं इस रैखिक बहुपद का शून्यक निकाल लेते हैं। अब यहां से हमने ये क्या है हमारे पास जी एक्स कितना है हमारा एक्स माइनस एक, तो ये हमारे पास किसके बराबर लिख लेते हैं हम जीरो के, तो एक्स का मान कितना आ गया एक, यानी कि बहुपद का शेषफल कैसे मिलेगा हमें, इसलिए जो बहुपद को जब जी एक्स से भाग करेंगे तो शेषफल हमें कैसे मिलेगा, तो शेषफल हमें मिलेगा पी एक, लेकिन शेषफल तो कितना होगा जीरो के बराबर होगा, शेषफल तो हमारा कितना होगा जीरो के बराबर होगा। इसका मतलब हमारे पास क्या है कि पी एक किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। एक बार फिर दोबारा से देखते हैं इसको, बात को और थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझते हैं। यहां से मैंने इसको सारे को हटा दिया और स्टेटमेंट को एक बार फिर देखा कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस एक पी एक्स का एक गुणनखंड है, पी एक्स लिख दिया और x माइनस एक इसका गुणनखंड है यानी कि इसको जी एक्स मान लिया। अब x माइनस एक इसका एक गुणनखंड है, इसका मतलब जब इसको x माइनस एक से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, जीरो बचेगा। अब इसको पहले इससे भाग करोगे, इसको इससे भाग करने का तरीका क्या होता है हमारे पास, इसका शून्य का निकाल लेते हैं, भाग करने पर शेषफल कितना आएगा कैसे निकालते हैं, हम इसको किसके बराबर लिख लेते हैं, इसको हम जीरो के बराबर लिख लेते हैं, तो एक्स का मान कितना आ गया एक, तो यहां से पी एक कितना हो जाएगा हमारे पास, पी एक एक का स्क्वायर प्लस एक और प्लस के, तो पी एक ये हो गया एक का स्क्वायर एक ही होता है एक प्लस के, तो पी एक ये हमारा पास आ गया दो प्लस के, और आसान कर दिया। देखो अब दोबारा से देखते हैं कि जब हमें के का मान निकालना है कि पी एक्स का गुणनखंड एक्स माइनस एक है,
अगर x माइनस एक पी एक्स का गुणनखंड है तो x माइनस एक पी एक्स को पूरा पूरा भाग करेगा। अगर पूरा पूरा भाग करेगा तो शेष कितना होगा, शेषफल कितना होगा, जीरो होगा। शेषफल कैसे निकालते हैं, जो रैखिक बहुपद है उसको जीरो के बराबर रख के x का मान निकाल लेते हैं और वो जो x का मान है वो px के अंदर रख देते हैं, तो ये हमारे पास शेषफल आ जाता है। शेषफल आ गया कितना, दो प्लस k। शेषफल आना कितना चाहिए, शेषफल आना कितना चाहिए, जीरो, क्योंकि वो उसका गुणनखंड है। लेकिन गुणनखंड परिमेय के अनुसार, गुणनखंड परिमेय के अनुसार, तो हमारे पास जो ये पी ए का है दो प्लस के, ये किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के, क्योंकि एक्स माइनस एक गुणनखंड था इसका। तो जब हम इससे भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, जीरो। शेषफल आया कितना, दो प्लस के, किसके बराबर आना चाहिए, जीरो के, दो प्लस के बराबर है जीरो। यहां से जब हम इसको हल करेंगे तो के का मान कितना आ जाएगा, माइनस दो। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट है क्या, बस सीधी सी बात है, ये इसका गुणनखंड है, यानी कि शेषफल निकालना है। हम शेषफल निकालने के लिए क्या करते हैं, रैखिक बहुपद को जीरो के बराबर रख के जो मान है उसमें रख देते हैं। ये शेषफल आ गया, अब वो शेषफल क्या आना चाहिए, गुणनखंड के केस में जीरो आना चाहिए, तो उसको जीरो के बराबर रख दिया, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारे पास। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ठीक इसी तरह से अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो पी एक्स है हमारे पास दो एक्स स्क्वायर प्लस की एक्स प्लस वर्गमूल दो, और जी एक्स हमारे पास यही है एक्स माइनस एक, इसको जीरो के बराबर रख लेते हैं, तो एक्स का मान कितना आ गया एक, तो पी एक निकाल लेते हैं, तो ये दो गुना में एक का स्क्वायर प्लस के गुना में एक और प्लस वर्गमूल दो। एक का स्केयर एक होता है, दो एकम दो हो गया, दो प्लस के की एक के साथ करेंगे तो के आ जाएगा प्लस ये वर्गमूल दो ही है, तो ये पी एक का मान आ गया, पी एक का। लेकिन गुणनखंड परिमेय क्या कहता है, गुणनखंड परिमेय के अनुसार, गुणनखंड परिमेय कहता है कि अगर x माइनस एक पी एक्स बहुपद का गुणनखंड है p1 किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। लेकिन p1 किसके बराबर है, दो प्लस के प्लस वर्गमूल दो, यानी कि किसके बराबर हो जाएगा, जीरो। k का मान निकालना है तो k तो रहने दो इधर, ये दोनों इधर आ जाएंगे, तो आ गया दो भी माइनस का हो गया और वर्गमूल दो भी माइनस का हो गया, तो k का मान आ गया, माइनस बाहर ले दिया, दो प्लस वर्गमूल दो, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब देखो दो को हम लिख सकते हैं ना, दो को वर्गमूल दो गुना में वर्गमूल दो, तो इसमें से वर्गमूल, अब देखो ये वर्गमूल दो गुना वर्गमूल दो है, तो एक वर्गमूल दो बाहर आ गया, तो एक वर्गमूल दो रह गया और ये बाहर चला गया, एक आ गया, तो इसका एक आंसर ये भी हो सकता है। लेकिन अगर यहां तक भी हम लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट सेकेंड। आगे बढ़ते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। पार्ट थर्ड में भी कोई ज्यादा सा चेंज नहीं है, इसी तरह से एक पार्ट हमारे पास पार्ट थर्ड में दिया हुआ है। पार्ट थर्ड में हमारे पास पी एक्स दे रखा है के एक्स स्क्वायर माइनस वर्गमूल दो एक्स प्लस एक, और जी एक्स हमने मान लिया है किसको, एक्स माइनस एक को, तो ये इसका गुणनखंड है, यानी कि जब भाग करेंगे तो शेषफल जीरो बचेगा। शेषफल निकालने के लिए हम इसको जीरो के बराबर रख लेते हैं, तो एक्स का मान एक आ गया, यानी कि पी एक निकाल लेते हैं, के गुना एक स्क्वायर माइनस वर्गमूल दो गुना में एक और प्लस एक, तो पी एक बराबर है एक का स्क्वायर एक, यानी कि के ही आ गया, माइनस वर्गमूल दो और प्लस एक, ये हमारा शेषफल आया। लेकिन शेषफल हमारा गुणनखंड परिमेय क्या कहता है, गुणनखंड परिमेय के अनुसार, गुणनखंड परिमेय के अनुसार क्या है हमारे पास, कि अगर ये x माइनस एक इसका गुणनखंड है तो पी एक कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो पी एक हमारा ये है, यानी कि k माइनस वर्गमूल दो प्लस एक किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के, तो k का मान कितना आ जाएगा, ये वर्गमूल दो इधर आगे प्लस का हो जाएगा और एक
माइनस का, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो पहले बच्चों ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट सेवन, थर्ड। पार्ट फोर्थ देखते हैं। पार्ट फोर्थ में हमारे पास पी एक्स दिया हुआ है। पी एक्स अब की बार के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के, के दो जगह आ गए तो जितनी मर्जी जगह आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन इसी तरह से चलेगा। यहाँ पे जी एक्स हमने मान लिया था x माइनस वन को, इसको जीरो के बराबर रख के x का मान निकाल लिया। अब p एक निकाला, k गुना एक का स्क्वायर माइनस तीन गुना में एक और प्लस k, तो p एक बराबर है ये k हो गया माइनस तीन और प्लस k, तो p एक बराबर है दो k माइनस तीन, तो ये p एक हो गया हमारे पास। अब यहां से गुणनखंड परिमेय क्या कहता है, गुणनखंड परिमेय के अनुसार क्योंकि x माइनस एक गुणनखंड था पी एक्स का, यानी कि p एक तो जीरो के बराबर होना चाहिए था, यानी कि दो के माइनस तीन ये जीरो के बराबर है, इसका मतलब दो के किसके बराबर है तीन के, और k किसके बराबर हो जाएगा तीन बटे में दो, ये इसके बटे में आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट, और यहाँ पे हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन की आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। थैंक यू वेरी मच।